हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड ऑटो वर्सेस एप्पल कारप्ले। आजकल की जितनी भी लेटेस्ट कारियाँ आ रही हैं उसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। साथ ही एक तीसरा ऑप्शन भी आपको मिलता है मिरर लिंक का। तो फिलहाल मिरर लिंक के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों में ज़्यादा बेटर कौन परफॉर्म करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के चेक में हम करेंगे वॉइस रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। वॉइस रिकॉग्निशन, अगर मैं इसको वॉइस कमांड्स देता हूँ, जैसे कि एप्पल में आता है सीरी और गूगल का, फिर सब जानते हैं गूगल का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है गूगल, जिसे हम हे गूगल के नाम से जानते हैं, तो सीरी और हे गूगल में किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, कौन कितनी जल्दी मेरे वॉइस रिकॉग्निशन को समझ पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन में कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम कमांड्स देते हैं नेविगेट टू होम, नेविगेट टू वर्क, नियर बाय पेट्रोल पम्प सबको ढूंढना है, नियर बाय रेस्टोरेंट्स ढूंढना है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम कमांड देंगे एप्पल की सीरी को और हे गूगल को। और तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, उसमें हम देखेंगे म्यूज़िक कितनी जल्दी कौन सा सिस्टम आपके लिए प्ले करके देता है। इसमें कुछ चीज़ों को दोस्तों बाईपास करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे फ़ोन का परफॉर्मेंस हो सकता है, हमारे फ़ोन के परफॉर्मेंस के कारण हमारा एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले जो है वो लैग करे। ठीक है, उसके बाद हम बाईपास करेंगे केबल्स को, हो सकता है हमारे केबल्स की क्वालिटी के कारण भी हमारा जो सिस्टम है उसमें भी लैग हो सकता है, बट स्टिल हम ओवरऑल एक्सपीरियंस देखेंगे कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्पल कारप्ले के साथ। एप्पल कारप्ले के लिए आपको चाहिए एक आईफोन, साथ ही चाहिए एक लाइटनिंग केबल, जिसमें और इसका जो यूएसबी का एंड है, ये आप देख रहे हैं यूएसबी, एक्चुअली काफ़ी अंधेरा है तो आप देख नहीं पाएंगे। तो लाइटनिंग केबल के साथ मैं कनेक्ट करूंगा फिलहाल एंड्रॉयड ऑटो और देखेंगे एंड्रॉयड ऑटो में सबसे पहले हम कॉल करेंगे किसी सिलेक्टेड नंबर्स को, उसके बाद हम नेविगेशन यूज़ करेंगे और लास्ट में हम यूज़ करेंगे म्यूज़िक। म्यूज़िक के लिए दोस्तों दोनों ही फ़ोन में मैं यूज़ कर रहा हूँ यूट्यूब म्यूज़िक, क्योंकि दोनों ही यूट्यूब म्यूज़िक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ईजी और बेस्ट चॉइस है म्यूज़िक स्ट्रीम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले केबल को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी ये कनेक्ट कर लेता है एप्पल कारप्ले को। अब देखिए मैंने केबल को कनेक्ट कर दिया और हमारा एप्पल कारप्ले रेडी टू यूज़ है। एप्पल कारप्ले को यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों ये है, इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एंड्रॉयड में अगर हमें एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करना है, उसके लिए एंड्रॉयड ऑटो नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है गूगल प्ले स्टोर से, बट iOS में या फिर एप्पल के आईफोन्स में इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। वो सीधे एप्पल कारप्ले का जो सिस्टम है आईफोन्स में इनबिल्ट आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलता है एप्पल कारप्ले का। एप्पल कारप्ले के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में डाल दूंगा। साथ ही एंड्रॉयड ऑटो के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेफरेंस के लिए बता दो, मैं यूज़ कर रहा हूँ मारुति की सियाज अल्फा मॉडल, टॉप मॉडल है दोस्तों ये, 2018 का मॉडल है। नया जो मॉडल आता है उसमें आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिलता है, यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक सा सिस्टम है जो कि मारुति ऑफर करती है। तो एंड्रॉयड ऑटो सॉरी एप्पल कारप्ले हमारा हो चुका है कनेक्ट। तो सबसे पहले क्या यूज़ करें, यूज़र इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस मिलता है, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड स्वाइप करके अपने एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, या पे अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो आप सीरी को डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं। ठीक है, वादा से करेंगे कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी गाड़ी में जो आपको वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम मिलता है, जिसका एक बटन है, डेडिकेटेड बटन है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए, उस बटन को भी अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो आपके आईफोन में है, जो कि आईफोन के केस में सीरी, वो सीरी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि मैं अगर मैं बटन प्रेस करके रखता हूँ, सीरी एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से आप इसको कमांड दे सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड सीरी एक्टिवेट कमांड। सबसे पहले दोस्तों एप्पल कार में जो सबसे पहले टेस्ट आएगा वो आएगा कॉल्स का। ठीक है, सबसे पहले हम कॉल करते हैं किसी भी डेडिकेटेड नंबर को। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सीरी जो है हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले कमांड देते हैं कॉल करने के लिए, कॉल एबी स्टूडियोज, कॉलिंग एप स्टूडियोज मोबाइल। अब देखा कॉल काफ़ी ज़्यादा रियली में काफ़ी ज़्यादा फास्ट था ये। एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं, कॉल मॉम। व्हिच फोन नंबर फॉर मॉम, मोबाइल प्लस 91। फर्स्ट नंबर, कॉलिंग मॉम मोबाइल। तो आपने देखा दोस्तों, जिससे अगर किसी एक कॉन्टेक्ट के साथ अगर मल्टीपल नंबर्स एडेड है तो वो सारे नंबर्स आपको रीड करके सुनाता है सीरी, जिसमें आप बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर, जितने भी नंबर्स उसमें एडेड हैं उनमें से किसी भी नंबर को आप कॉल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर टू, अब हम ट्राई करते हैं
मैप्स के बारे में, राइट। अब मैप्स के रिगार्डिंग एक कमांड देते हैं सिरी को और देखते हैं कितनी अच्छी तरह से ये परफॉर्म करता है। नेविगेट टू होम, गेटिंग डायरेक्शंस टू होम, स्टार्टिंग रूट टू 16th स्ट्रीट नंबर 2, प्रोसीड टू द रूट, देन टर्न लेफ्ट। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे मैप हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैंने कमांड दिया था नेविगेट टू होम, तो और जैसे आप इस तरह का कमांड देते हैं तो आप याद रखिए, जैसे कि एप्पल में आपको एक एप्पल मैप्स का ऑप्शन मिलता है और आप गूगल मैप्स भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, वो भी एप्पल का प्ले सपोर्ट करता है। तो अभी जो मैंने सिर्फ कमांड दिया नेविगेट टू होम, तो इसका जो इनबिल्ट सिस्टम है वो क्या करेगा, आपके एप्पल मैप्स में जो आपने होम का डेस्टिनेशन सेट किया होगा वहाँ पर आपको लेके चला जाएगा और आपका एप्पल मैप जो है वो यहाँ पर यूज़ होने लगेगा। बट इस केस में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं एप्पल मैप्स को यूज़ ना करूँ और मैं गूगल मैप्स को यूज़ करूँ, तो उसके लिए भी मैं कमांड दूंगा, तो वो गूगल मैप्स में जो मेरा होम का एड्रेस है वहाँ पे मुझे लेके जाएगा, उसको भी एक बार चेकआउट करते हैं। उसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ, एप्पल मैप्स में आपको ये भी सिस्टम मिल जाता है कि आप अपना एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल किसी भी एक सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए भी कमांड देखे देखते हैं, शेयर ETA विद भारती। ओके, नाउ शेयरिंग योर ETA विद भारती यूजिंग SMS। तो आपने देखा तो मैसेज फेल हो गया सेंड होने के, कुछ टेक्निकल इशू है उसके कारण। बट जैसे कि मैं अपना ETA शेयर कर सकता हूँ, अगर मैं कितने टाइम में पहुँचने वाला हूँ अपने डेस्टिनेशन में, वो मैं किसी भी कॉन्टैक्ट को बता सकता हूँ टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, और उनको एक टेक्स्ट मैसेज चला जाता है कि मैं सो एंड सो टाइम में अराइव करने वाला हूँ। किसी और कोई भेजने की कोशिश करते हैं, शेयर ETA विथ मॉम। ऑनिट, ओके, नाउ शेयरिंग योर ETA विथ मॉम यूजिंग SMS। तो अपन देखा दोस्तों, मॉम और भारती दोनों को ही मैंने ETA शेयर कर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन है एप्पल कारप्ले की तरफ से। अब देखते हैं, अगर मैं नेविगेशन में मैं गूगल मैप्स को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं एप्पल मैप को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, उसके लिए भी एक कमांड देते हैं इसको, नेविगेट टू होम यूजिंग गूगल मैप्स, गेटिंग डायरेक्शंस टू होम यूजिंग गूगल मैप्स। तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको गूगल मैप्स यूज़ करने का कमांड दे दिया, ये गूगल मैप्स को यूज़ कर रहा है। Start maps. Directions to where? Direction to home. Getting directions to home. In navigation. All right. Done. तो आपने देखा दोस्तों, काफी ज्यादा फास्ट और रिलायबल सिस्टम है एप्पल कारप्ले का। इसके बाद और भी कुछ कुछ चीजें सेलेक्ट एक्सप्लोर करेंगे हम। Navigate to nearby petrol pump. One option is HP petrol pump. Let me know if I should call one of them or get directions for you. Navigate to nearest Indian Oil petrol pump. The nearest one I see is Indian Oil petrol pump on Pandit Jawaharlal Halalderi Path. Navigate to the nearest restaurant. The nearest one I found is Papa the Deva or Pribi Deva. Okay, close navigation. We don't appear to be navigating anywhere right now. If you'd like directions, just say, get directions to, wherever. Okay, close the map. Sorry. We don't seem to be navigating anywhere. If you'd like directions, just say, get directions to, where a... तो आपने देखा, मैप का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा इफिशियंटली काम करता है। आप गूगल मैप्स या फिर एप्पल मैप्स दोनों को ही कमांड देके यूज़ कर सकते हैं और आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके बाद हम एंड्रॉयड ऑटो में भी देखेंगे कि वहाँ पे ये परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा रिलायबल है और कितना ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। तो ये तो हो गया दोस्तों, आपने कॉल्स के बारे में देख लिया, मैप्स के बारे में देख लिया, अब आपको बताते हैं म्यूजिक के बारे में। प्ले सम म्यूजिक ऑन YouTube म्यूजिक। हियर्स YouTube म्यूजिक। ओके, स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक। तो आपने देखा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं YouTube म्यूजिक यूज करता हूँ म्यूजिक को स्ट्रीम करने के लिए। तो जैसे ही मैंने इसको कमांड दिया प्ले सम म्यूजिक, इसने ऑटोमेटिकली YouTube म्यूजिक को ओपन कर दिया और YouTube म्यूजिक में मेरा जो म्यूजिक था वो प्ले हो गया। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक सॉन्ग को सुनना चाहते हैं YouTube म्यूजिक में, तो उसके रिगार्डिंग भी एक कमांड देते हैं और देखते हैं ये उस चीज़ को परफॉर्म कर पाता है कि नहीं। प्ले लव मी लाइक यू डू ऑन YouTube म्यूजिक। हियर्स लव मी लाइक यू डू ऑन YouTube म्यूजिक। ओके, स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक। तो दोस्तों आपने देखा, जैसे मैंने किसी सॉन्ग्स का नाम लिया फ्रॉम द 50 शेड्स ऑफ ग्रे, लव मी लाइक यू डू, तो YouTube म्यूजिक जो है हमारा स्पेसिफिकली उसी सॉन्ग पे मुझे ले गया। और कोई भी सॉन्ग मैं सुनना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली उस सॉन्ग को प्रोनाउंस करके सीरी को कमांड दे सकता हूँ और सीरी हमारे लिए वो सॉन्ग प्ले कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों एंड्रॉयड ऑटो और ये तो हो गई दोस्तों एप्पल कार प्ले के बारे में। मैं आपको बता दिया म्यूज़िक कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, ये मैप्स आप यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड मतलब कि
एप्पल मैप्स आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं, दोनों को इंडिविजुअली कमांड भी दे सकते हैं कि आपको कौन से मैप में क्या डायरेक्शन चाहिए, नियर बाय पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये इफिशियंटली काम करता है और काफ़ी अच्छी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगा एप्पल कारप्ले का। अब चलते हैं एंड्रॉयड का ऊपर और देखते हैं एंड्रॉयड ऑटो में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीरीज से आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं जो कि बेसिक है, आप ये सब कुछ जानते होंगे, जैसे कि आज का डेट क्या है, आज का टाइम क्या है, आज का वेदर क्या है, वो भी चीज़ें आपको करके दिखाते हैं। व्हाट इज द डेट टुडे? इट्स सैटरडे द 12th ऑफ जून 2021। व्हाट इज द टाइम? इट्स 4:12 AM। व्हाट इज द वेदर आउटसाइड? इट्स करंटली क्लाउडी एंड 24 डिग्रीज। Expect thunderstorms and cloudy skies starting early in the morning. Today's high will be 30 degrees and the low will be 24. तो आपने देखा जैसे कि ये सारी चीज़ें तो गूगल भी कर सकता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। आप चलते हैं एंड्रॉयड ऑटो के ऊपर और देखते हैं एंड्रॉयड ऑटो की परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह से वो हमारे लिए म्यूजिक प्ले करता है, किस तरह से वो कॉल्स करेगा हमारे लिए। तो फिलहाल मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ और मेरा एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करता हूँ उसमें। तो केबल हमने कनेक्ट कर दिया है और देखते हैं एंड्रॉयड ऑटो कितनी जल्दी कनेक्ट होता है। ओके, अब हो गया है पूरी तरह से कनेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है एंड्रॉयड ऑटो, अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपका ब्लूटूथ, यहाँ पे दोस्तों आ गया है नोटिफिकेशन एंड्रॉयड ऑटो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली इसको टैप कर देते हैं। ओके, ब्लूटूथ हमें यूज़ नहीं करना है। हमारा आईफोन होकर डिस्कनेक्ट और हमारा एंड्रॉयड ऑटो हो चुका है कनेक्ट। एंड्रॉयड ऑटो के कनेक्शन में आज सब कोई इशू नहीं है, बहुत ही जल्दी ये भी कनेक्ट हो जाता है, बट अगर आप एप्पल कारप्ले से कंपेयर करेंगे तो एंड्रॉयड ऑटो डेफिनेटली थोड़ा सा लैग करता है दोस्तों कनेक्टिविटी के इशू में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करने के लिए आपके फ़ोन में होना चाहिए एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेशन। तो ये देख रहे हैं आप यूज़र इंटरफेस, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, सिंपली इसको टैप करेंगे और आप एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आप यहाँ पर जैसे कि आपने एप्पल कारप्ले में देखा था, आप लेफ्ट और राइट स्वाइप करते थे, यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे स्वाइप करना पड़ेगा किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले कमांड देते हैं कॉल करने के लिए, देखते हैं कितनी जल्दी कॉल करता है ये। कॉल आईफोन, कॉल इन आईफोन। तो दोस्तों आपने देखा जैसे मैंने इसे कॉल आईफोन का कमांड दिया तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा लैग कर रहा है कंपेयर टू एप्पल कारप्ले। एप्पल कारप्ले में जो कॉलिंग फैसिलिटी थी वो ज़्यादा फास्ट थी, वैसे बहुत ज़्यादा टाइमिंग का डिफरेंस नहीं है बट स्टिल डिफरेंस तो है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। अब स्लो किस लिए काम कर रहा है, हो सकता है मेरा फ़ोन स्लो है इसके लिए भी काम कर रहा हो सकता है, मेरा जो स्टीरियो सिस्टम है वो भी स्लो हो सकता है, केबल का इशू हो सकता है, काफ़ी सारे इशूज़ हो सकते हैं। बट इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एंड्रॉयड ऑटो बिल्कुल ही ख़राब है, अच्छा काम नहीं करता है, और एप्पल का प्ले बहुत अच्छा काम करता है। उतना भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है दोनों के फंक्शनैलिटी में। एक बार और दोस्तों ट्राई करते हैं। कॉल लास्ट डायल नंबर, I'm sorry, there is no dial in your recent call history. Okay, तो अभी अभी आपने देखा मैंने रिसेंटली कॉल किया था आईफोन को, बट ये कह रहा है कि कोई भी डायल हिस्ट्री नहीं है। तो हम किसी का नाम लेके बोलते हैं। और अब यहाँ पे दोस्तों एक ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि गूगल जो है वो हिंदी लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, तो क्यों ना इसको एक हिंदी लैंग्वेज में बोल के भी ट्राई किया जाए, क्या हमारा गूगल असिस्टेंट काम करता है, हिंदी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, देखते हैं। आईफोन को कॉल करो, आईफोन को कॉल कर रही हूँ। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग दोस्तों, ये हिंदी कमांड भी सपोर्ट करता है दोस्तों, आईफोन को कॉल कर रही है, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और आपको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कंपेयर टू इंग्लिश, तो ये सिस्टम आपके लिए ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं मैप्स के ऊपर और देखते हैं नेविगेशन किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही ऑप्शन मिलता है गूगल मैप्स का, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करता है दोस्तों। गूगल मैप्स का कोई जवाब नहीं है। गूगल मैप्स का एक अल्टरनेटिव एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है वेज, उसमें भी काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बट स्टिल गूगल मैप इज़ द बेस्ट। चलते हैं गूगल मैप्स को एक देते हैं कमांड और देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है हमारा गूगल मैप। नेविगेट टू होम, नेविगेटिंग टू होम। तो दोस्तों आपने देखा जैसे ही मैंने नेविगेट टू होम का कमांड दिया, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में जो मेरा होम का एड्रेस सेलेक्टेड है वहाँ पे ये मुझे नेविगेट कर रहा है। नेविगेशन में भी अगर मैं हिंदी में कमांड दे के देखूँ तो देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। मुझे घर ले चलो, घर की ओर नेविगेट किया जा रहा है। तो आपने देखा दोस्तों हिंदी कमांड भी वैसे ही सपोर्ट कर रहा है जैसे कि इंग्लिश कमांड सपोर्ट करता है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है एंड्रॉयड ऑटो के लिए। एप्पल कारप्ले में आपको हिंदी लैंग्वेज का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। सबसे नज़दीक में पेट्रोल पम्प कौन सा है?
तो दोस्तों आपने देखा जैसे मैंने इसको पूछा कि सबसे नजदीक पेट्रोल पंप कौन सा है, ये जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप इसका सिस्टम में जो अपडेटेड है वो मुझे शो कर रहा है HP पेट्रोल पंप। अगर मैं किसी स्पेसिफिक पेट्रोल पंप पे जाना चाहता हूँ या फिर मैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना चाहता हूँ तो उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। पावर हाउस रेलवे स्टेशन, चलो। Showing results for powerhouse railway station Kalo along your route. तो आपने कहा तो दोस्तों किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे भी आप जाना चाहेंगे सो कमांड देंगे तो ये आपको वहां तक ले जाएगा। Show me the nearest petrol pump near. All right, adding a stop at Hindustan Petroleum on Raipur Bhilai Durg Expressway Road, NH6. अभी कौन सा पेट्रोल पंप खुला होगा? आज का मौसम कैसा है? आज भिलाई में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 24 के अनुमान के साथ आंधी तूफान आएगा। इस समय तापमान 24 है और बादल छाए रहेंगे। आज का डेट और टाइम बताओ। अभी 12 जून 2021 सुबह के 4:20 हो रहा है। तो आपने देखा दोस्तों काफी सारे कमांड्स मैंने इसको दिए और ये बखूबी काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, किसी तरीके का कोई कंप्लेन नहीं है एंड्रॉइड ऑटो से रिलेटेड। तो ये हो गया दोस्तों मैप्स की बात, अब चलते हैं म्यूजिक के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले दोनों के लिए मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब म्यूजिक। यूट्यूब म्यूजिक का आइकन आप ऑलरेडी नीचे देख पा रहे हैं। तो यूट्यूब म्यूजिक में कुछ सॉन्ग्स प्ले करते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में कमांड दे के देखेंगे कितना अच्छा परफॉर्म करता है ये। यूट्यूब म्यूजिक में कोई गाना प्ले करो। ओके, ये रहा यूट्यूब म्यूजिक पर म्यूजिक। पर उस आपने देखा जैसे मैंने कहा तो ये एक रैंडमली कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहा है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक सॉन्ग का नाम लूँ कौन सा सॉन्ग सुना जाए, बेवफा मूवी का सॉन्ग प्ले करो। माफ करें, मैं कार में वीडियो नहीं चला सकती। ओके, तो ये वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली, ये शायद मेरी वॉइस को समझ नहीं पाया। बेवफा मूवी का सॉन्ग प्ले करो। प्लेइंग बेवफा जुकबॉक्स फुल एल्बम सॉन्ग्स अक्षय कुमार करीना नदीम श्रवण ऑन यूट्यूब म्यूजिक। सो दोस्तों आपने देखा जैसे मैंने किसी स्पेसिफिक मूवी का नाम लिया तो उस मूवी का भी सॉन्ग एफिशिएंटली प्ले हो रहा है। तो एज सच यहाँ पे भी कोई इशू मुझे नहीं लग रहा है, एंड्रॉइड ऑटो मैं यूट्यूब म्यूजिक में प्ले कर रहा हूँ। तो इंग्लिश सॉन्ग भी प्ले करके देखते हैं। प्ले लव मी लाइक यू डू। लव मी लाइक यू डू फ्रॉम 50 शेड्स ऑफ ग्रे बाय एली गोल्डिंग शो प्लेइंग ऑन यूट्यूब म्यूजिक। म्यूजिक बंद कर दो। तो दोस्तों आपने देखा कि म्यूजिक के रिगार्डिंग भी हम इसको कमांड दे सकते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। ऑल्दो जैसे जैसे मैं इसको रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा लैग डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, बट एप्पल कारप्ले में इतना लैग देखने को नहीं मिल रहा था, वो ज़्यादा फास्ट काम कर रहा था कंपेयर टू एंड्रॉयड ऑटो। तो बस ये था दोस्तों आज का हमारा कंपैरिजन। आपने देखा हमने म्यूज़िक प्ले किया, हमने नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया, हमने कॉल यूज़ किया, बट यहाँ पे देखते हैं। और सर एक चीज़ दिखाना आपको भूल गया, मैप्स में अगर मैं ETA शेयर करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं? नेविगेट टू होम, नेविगेटिंग टू होम, शेयर माय ETA टू आईफोन, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, शेयर माय एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल टू आईफोन। ऑलराइट, यू एक्सपेक्टेड टू अराइव एट हिंदुस्तान पेट्रोलियम इन अबाउट 10 मिनट्स, रेडी टू सेंड दिस ETA? ओके रेडी। Sending your ETA to iPhone. तो दोस्तों आपने यहाँ देखा यहाँ पे भी आप कमांड देके अपना एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को सेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एंड्रॉइड ऑटो की तरफ से। तो बस ये था दोस्तों हमारा एक बेसिक कंपैरिजन। मैंने आपको मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले में कौन सा सिस्टम ज़्यादा फास्ट है, कौन सा सिस्टम में आपको क्या प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ, किस तरह आप इसको कमांड दे सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन है, कोई सवाल है, आप हमें कमेंट कीजिए और एट द अर्लीस्ट मैं उस कमेंट का जवाब जरूर आपको दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए इसमें से कौन सा फीचर आपको ज़्यादा बेटर लगता है। एंड्रॉइड ऑटो में दोस्तों सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आप हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी लैंग्वेज में आप इसको कमांड दे सकते हैं। ना सिर्फ हिंदी, यहाँ पे और भी कई सारे रीजनल लैंग्वेज के भी ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, इंग्लिश UK, इंग्लिश US और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जैसे कि उर्दू वगैरह भी ये लैंग्वेज सपोर्ट करता है, बट आईफोन में या एप्पल कारप्ले में इस तरह का कोई फंक्शन आपको नहीं मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसकी स्पीड
और यहाँ पे आपको एक एडिशनल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि है एंड्रॉयड ऑटो। अदरवाइज़ इसके अलावा बाकी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं और एक नंबर काम करती है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।